हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी, स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। चलिए आज हम करेंगे अपने कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें हमने डिस्कस किया था कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, कम्युनिकेशन एक्चुअल में होती क्या है और उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, तो वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, चलिए कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस हैं क्या वो अपन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्या आता है अभी अपने फंक्शंस। फंक्शंस क्या है? कम्युनिकेशन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बिल्कुल, क्योंकि देखो हमने जब कम्युनिकेशन पहले प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी तो उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे यही बात करी थी किसी भी चीज़ को हम जब किसी अनदर पर्सन से जब शेयर करते हैं, कोई थॉट है, कोई आइडिया है, कोई ओपिनियन है, कोई फीलिंग्स है, कुछ भी जब हम किसी अनदर पर्सन से शेयर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। और वो कम्युनिकेशन कब इफेक्टिव होता है, जब वो सामने वाला पर्सन जिससे आपने शेयर किया वो आपको फीडबैक प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, चलिए तो क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन क्या है, ये हेल्प करता है किसमें, अगर वो फंक्शन की बात करें तो वो कह रहा है हेल्प करता है प्रोवाइड कराने में इन्फॉर्मेशन और नॉलेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। फिर वही बात है, अभी अपने वन पर्सन टू अनदर ये शेयर करने में मदद करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस, फीलिंग्स, डिजायर्स, आइडियाज एटसेट्रा ऑफ अदर पर्सन। देखो अपन एक पहले भी बात करी थी और मैं फिर बता दूं, जो ये इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, हम ना ये जब फेस टू फेस होते हैं तब हमें ये पता लग जाते हैं सामने वाले के भी हम वो कैसा बिहेव कर रहे हैं हमारे साथ। मगर जब हम फेस टू फेस नहीं होते, आज के टाइम पे जब हम सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, जब आप बात करते हो कई बार आप गुस्से में हो तो आप क्या करते हो, वो रेड वाला इमोजी जो होता है वो आप भेज देते हो, है ना। या कभी कई बार आप जब हंस रहे हो तो वो हंसता हुआ इमोजी भेज देते हो, या जब हंसते हंसते वो आंसू आ जाते हैं वो वाला इमोजी भेज देते हो। तो ये क्या हो रहा है, ये आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो किसी अनदर पर्सन के साथ, है ना। कब, जब आप फेस टू फेस नहीं हो, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को इमोटिकॉन्स के थ्रू आप एक्सप्रेस कर रहे हो, सामने वाले से शेयर कर रहे हो। ठीक है, तो वो क्या करता है, हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में सामने वाले के इमोशंस को, डिजायर को, कोई आइडिया है, कोई थॉट है, कोई ओपिनियन है, कुछ भी। ठीक है, तो वो चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, इट हेल्प्स इन द फाइव फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो अगर आप कॉमर्स से हो तो आपको पता है कि फाइव फंक्शंस मैनेजमेंट है कौन सा। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से नहीं हो, किसी और स्ट्रीम से हो, तो मैं आपको बता दूं मैनेजमेंट में ना कभी भी हम बात करते हैं तो उसके कुछ असेंशियल फाइव फंक्शंस हैं, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना एंड कंट्रोलिंग करना। ठीक है, जैसे आप बात करें कि अपने घर पे कोई शादी पड़ी तो आप क्या करेंगे, पहले प्लान करेंगे ना कि या डायरेक्ट टेंट लगवा देंगे या सारा काम कर देंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। पहले प्लान करेंगे कितने लोगों को बुलाना है। अब इस तरह अभी फिलहाल में इतना बड़ा पेंडेमिक चल रहा है तो आप डिसाइड करोगे ना कितने रिश्तेदारों को बुलाना है, कितने फ्रेंड्स को बुलाना है जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, है ना, उनके बिना मतलब काम ही नहीं चल सकता। ठीक है, तो क्या है, आप ये देखोगे कि भी कैसे कैसे करना है, फिर उसके बाद सैनिटाइजर होना चाहिए कि नहीं, क्या स्टॉल्स लगेंगे, कितने का मतलब खाने का, कितने पर्सन्स का बनेगा, क्या क्या होगा, वो सारी अरेंजमेंट्स आपने एक प्लान कर लिया, आपने क्या एक रफ डाटा बना के रख लिया। ठीक है, तो वो प्लान कर लिया। अब क्या, आपने ये ना आपने सोच लिया भी टेंट यहाँ पे लगाना था। ठीक है, अब आपने क्या, आप टेंट लगा दिया, अब आपने ऑर्गेनाइजिंग करी है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग कर दिया, आपने टेंट लगा दिया, आपने सोच लिया, आप कह दिया अभी यहाँ पे जो है वो फ्रूट वाली जो स्टॉल लगेगी, ठीक है, यहाँ पे सारी फास्ट फूड की, उसके बाद यहाँ पे अपनी लगेगी जो भी कॉफ़ी हो गया, चाय होगी, ठीक है, या कोल्ड ड्रिंक्स होगी या पानी हो गया, वो सारा यहाँ पे लगेगा सारा खाना। ठीक है, उसके बाद ये हो गया एक हॉल और ये क्या है, ये होगी एंट्री पॉइंट। ठीक है, तो अब क्या, अब आपने सब कुछ डिसाइड कर रखा था, अब उसी तरह से आपने ऑर्गेनाइज कर दिया। अब ऑर्गेनाइज करने के लिए देखो, ऑर्गेनाइज करने के बाद अब ये ऐसे तो हो नहीं जाएगा सारा काम, अब इसके लिए आपको पर्सन्स की जरूरत होगी, तो आप क्या करोगे, आप स्टाफिंग करोगे। अब स्टाफिंग में ना एक बात बोली जाती है कि राइट पर्सन एट द राइट जॉब। देखो कैसे, मानो कि ये एक पर्सन है और ये ना गोलगप्पे बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। ठीक है, अब इस गोलगप्पे को बनाने वाले बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, अब इसको आप कह दो कि तू चल भाई इधर और तू बर्गर बना, तो क्या वो बर्गर अच्छे से बना पाएगा, जबकि उसकी एक्सपर्टाइजेशन तो गोलगप्पे बनाने में है, तो वो गोलगप्पे अच्छे से बना पाएगा, है ना। गोलगप्पे सभी खाते हो, शादी में जाते हो, फास्ट फूड सभी खाते हैं, है ना। लेकिन अगर हमको अच्छा नहीं लगता तो हम शादी मतलब कैसी भी हो, कुछ मर्जी हो, लेकिन हमको जब खाना अच्छा नहीं लगेगा तो हम कहते हैं यार ठीक था, मतलब शादी ठीक थी उनकी, लेकिन मजे वाली बात नहीं थी। ठीक है, जब लेकिन खाना अच्छा होना तो कितना मर्जी बकवास की हो उन्होंने, लेकिन आप कहेंगे यार मजा आया खाने में। ठीक है, तो ये एक्चुअल में एक माइंडसेट है सभी लोगों का, तो इसलिए वो
हर जगह पे ही, मतलब मैनेजमेंट में हम देखें तो हर जगह पे, ये सिर्फ शादी की बात नहीं, हर जगह पे ये बात की जाती है कि राइट पर्सन एंड दी राइट जॉब। तो एक गोलगप्पे वाले को गोलगप्पे जगह बिठाएंगे, बर्गर वाले को बर्गर की जगह, तो अपन हर एक पर्सन जो है यहाँ पे अपॉइंट कर दिया, ठीक है। अब क्या है, अब डायरेक्ट करना। अब डायरेक्ट कैसे, कि अपन ने बता दिया कि हम जिस तरह होते हैं स्टॉल वाले ना, बनाते बनाते बीच में सिगरेट पीने लग जाते हैं या बीड़ी पीने लग जाते हैं, वो स्मोकिंग करते हैं, तो उनको अपन ने बोल दिया कि नहीं, आपने स्मोकिंग नहीं करनी बीच में, ठीक है। आपके 3 घंटे का काम, आप 3 घंटे कंटिन्यू यही काम करोगे, आपके पास चाहे कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। आप ग्लव्स पहन के रखोगे, आप सैनिटाइजर यूज करोगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई और उनको डायरेक्ट किया गया कि ऐसे ऐसे काम करना है। उनको अगर वो डीमोटिवेट हो रहे हैं कहीं, तो उनको मोटिवेट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद है कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग क्या, मान लो कि इसको बोला था कि तूने ना 100 गोलगप्पे अपने बना के और देने हैं, अब देखना है कि इसकी हिम्मत कितनी है, अभी ये 90 बना पाता है या 100 ही बना पाता है या 110 बना पाता है। अब यहाँ पे कंट्रोलिंग में हम लोग देखते हैं कि प्लस पॉइंट हुआ है या नेगेटिव पॉइंट हुआ है, और जो प्लस या नेगेटिव हुआ है तो वो किस वजह से हुआ है, ठीक है। जो भी मार्जिन आया है वो किस वजह से आया है, तो उसको सेट, उसको सही करने का काम किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या, ये हर जगह पे जरूरी है। अब यहाँ पे मान लो आप कम्युनिकेशन ही नहीं कर पा रहे, ठीक है, आप जाके गोलगप्पे वाले पास खड़े हो गए और आपने आपने तो मतलब क्या नाम है, मानो कि मिट्टी चटनी वाला गोलगप्पा खाना था, लेकिन उसने क्या किया, उसने आपको बहुत तिक्खी वाले दे दिया, ठीक है, आपको गुस्सा आएगा लेकिन आप बोल ही नहीं रहे, तो क्या कम्युनिकेशन नहीं कर रहे आप। जब तक उसको बताओगे नहीं कि मुझे मीठी चटनी वाला गोलगप्पा चाहिए, तो वो देगा नहीं आपको, है ना। तो ये क्या, ये कम्युनिकेशन का पार्ट है, तो ये हर जगह पे मैंडेटरी है, हर जगह पे जरूरी है, ताकि आप कम्युनिकेशन करके काम को सही तरीके से कर पाओ, ठीक है। चलिए आगे क्या कहते हैं, यूजफुल इन इम्पार्टिंग ट्रेनिंग एंड स्किल। ऑब्वियस है, जब हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, कराते हैं या करते हैं, तब वो कम्युनिकेशन जरूरी है। अब आप किसी भी बैंक में आप ट्रेनिंग लेने जाओ या किसी भी सेक्टर में आप ट्रेनिंग लेने जाओ, तो आप जब तक बोलोगे नहीं, आप अपनी क्वेरीज नहीं लोगे, अपनी कम्युनिकेशन ही नहीं करोगे, तो आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व कैसे होंगी, है ना। तो ये ट्रेनिंग में या स्किल डेवलप करने में यूजफुल है, ठीक है। इट हेल्प्स इन मेकिंग इम्प्रूवमेंट। देखिए, अब इम्प्रूवमेंट कैसे, अब कोई काम किया और उस काम में अगर कोई प्रॉब्लम आई या कुछ गलती कर दी, तो अब जब तक वो गलती सामने वाला कोई पर्सन बताएगा नहीं, हमारा हेड, हमारे पेरेंट्स कोई बताएंगे नहीं कि आपने ये गलती करी है, आपने गलती कर दी है, तो हम उस चीज़ को इम्प्रूव भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट करने, आप एडवर्टाइजमेंट जैसे ऋतिक रोशन कर रहे हैं कि ड्यू पी के, वो कहता है भी डर के आगे जीत है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो ड्यू की ऐड कर रहा है कि आप ड्यू पीजिए और डर के आगे जीत करिए। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, मगर वो अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ताकि लोग इसको खरीदें, ठीक है। या आप सलमान खान लीजिए, या आप रणवीर सिंह कपूर लीजिए, या सिंह लीजिए, ठीक है। तो ये क्या, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स की जो है वो प्रमोशंस कर रहे, तो वो प्रमोशन आगे खड़े हो जाए ऐसा करते तो होगा तो नहीं, तो उनको बोलना पड़ता है, उसको उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे क्या कहते हैं, इट हेल्प्स इन द इन्फ्लुएंस टू द पीपल एंड यूज फॉर एनकरेज देम, ठीक है। वो क्या है, इन्फ्लुएंस करने के लिए, आप किसी पर्सन को कोई प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो तो आपको वो इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, उसको अपने मतलब कहते हैं ना, अपनी थाली में लाना पड़ेगा उसको कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट मेरा बहुत बढ़िया है। आप कम्युनिकेट करके जब अपने प्रोडक्ट की जब तक अपनी तारीफ ही नहीं करोगे, तो वो बंदा पिघलेगा नहीं, वो आपसे प्रोडक्ट ही नहीं लेगा, है ना। तो उसको इन्फ्लुएंस करना भी जरूरी है। इट इज नेसेसरी टू रन द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली। हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे वो लोअर लेवल है, चाहे वो मिडिल लेवल है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी लेवल पे, हर लेवल पे, हर पर्सन के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है, तभी हम ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कहते हैं, इट हेल्प्स इन द कम्युनिकेटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी टू द एम्प्लॉयज। बिल्कुल, एम्प्लॉयज को ऑब्जेक्टिव्स बताने में हेल्प करता है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन टू द कस्टमर, कस्टमर को स्पेसिफिकेशंस बताने में हेल्प करता है। अब देखिए, अब आप UGC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या प्लस टू में है, या बीकॉम एमकॉम जिस भी क्लास में है, अगर आपको सिलेबस ही ना बताया जाए और सीधा आपसे एग्जाम ले लिया जाए, तो आपको क्या पता लगेगा कि हम पढ़ें क्या, तो एक क्वेश्चन आ जाएगा ना। तो क्या है, वहां पे आपको एक रिटन के थ्रू या ओरली आपको बताया जा रहा है कि आपका सिलेबस ये है और हम इसमें से आपका टेस्ट या एग्जाम लेंगे, ठीक है। तो वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन इधर भी जरूरी है, ठीक है। इन शॉर्ट क्या कहते हैं, इन शॉर्ट कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज यूज्ड
एवरीवेयर, पहली बात तो वो हर जगह यूज होती है, और एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन लीड्स टू सक्सेस, और जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो वो सक्सेस मिल सकेगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब मैं ना एक चीज बताऊँ आपको, ये जो कम्युनिकेशन का पूरा टॉपिक रहेगा ना, ये हर क्लास के लिए बहुत ज़्यादा मतलब रेलिवेंट टॉपिक है, चाहे वो प्लस टू है, बी कॉम, एम कॉम, एम बी ए, यू जी सी की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, ठीक है, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम से, चाहे वो किसी और स्ट्रीम से है, ठीक है, तो सबके लिए जरूरी है, अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए भी अपने वो कम्युनिकेशन जरूरी है। ठीक है, तो आप इस तरह से अपनी स्किल भी डेवलप कर सकते हैं, इन जो हम इनमें बात करेंगे उनको मद्देनजर अगर आप रखोगे, अपने माइंड में चीज़ रखोगे, तो आप अपनी स्किल को भी डेवलप कर सकोगे। ठीक है, तो ये सबके लिए रेलेवेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए अब ना इसके बाद कुछ फंक्शंस जो ये अपन ने डिस्कस करें, इसके बाद ना कुछ और चार पाँच पॉइंट्स हैं जो ना जिनके मीनिंग आ जाते हैं। ठीक है भाई, उसका एंटोनिम्स पूछ लिया आपसे, उनका सिनोनिम पूछ लिया। अब आप देखोगे दिसंबर 2019 के एग्जाम में ना, इनकम टैक्स में और मार्केटिंग में ना, उन्होंने क्या किया कि कंप्रेंशन पैसेज दे दिया, उसमें से अब क्वेश्चंस उठा के उन्होंने पूछ लिया। पहले क्या होता है, पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, अब उन्होंने रीडिंग कंप्रेंशन दे दिया, अब उसको या तो पहले रीड करो फिर उसके बाद आंसर दो। ठीक है, तो दो पैसेज आए थे इस तरह से। तो अब इसमें है क्या, उसमें अब कई बार पूछ लेते हैं भाई इसका अनदर मीनिंग क्या है, उसका अनदर मीनिंग क्या है, तो अपने को ये वर्ड्स पता होने जरूरी है इसके बाद जो भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान से सुनना, हल्का सा कंफ्यूजिंग वैसे तो नहीं है, मैं अच्छे से करवाने की कोशिश करूंगा, मगर फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन लगे तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, वैसे कंफ्यूजन नहीं आएगी, मैं ट्राई करूंगा कि अच्छे से समझा दूं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या है, कहता है डिनोटेशन। देखो पहली बात तो डिनो, ठीक है, अब देखो मेरे को नहीं पता आप लोग डिनो को जानते हो या नहीं। ठीक है, मैं डिनो है वो एक सिंगर है बहुत अच्छा, मैं उसके गाने सुनता हूँ, ठीक है, काफ़ी अच्छे हैं और बहुत अच्छा सिंगर है। ठीक है, तो उससे क्या है, वो गानों के थ्रू जिंदगी का मतलब बताता है। ठीक है, मैंने ऐसा इसको ऐसा याद किया हुआ है, तो जिंदगी का मतलब बताता है, वो क्या है मतलब बताता है, तो मैंने इसको इससे याद किया था, डिनोटेशन। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, जब हम किसी भी वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग बताएं, उसका एक्चुअल में मतलब बताएं, तो उसे कहते हैं अपन डिनोटेशन। ठीक है, डिनोटेशन इट रेफर्स टू द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड, द डिक्शनरी डेफिनेशन, जो भी डिक्शनरी डेफिनेशन है। जैसे मानो एक स्नेक है, कोई सांप है, उसको कोई बंदा तो ये कह रहा है कि यार ये बहुत जहरीला है। ठीक है, और वो कोई ये कह रहा है कि ये सिलेंड्रिकल शेप है, इसके पैर नहीं होते। ठीक है, और क्या नाम है, ये बड़ा मतलब लंबा होता है। ठीक है, इस तरह से बोल दिया, वो रेप्टाइल है। ठीक है, तो वो क्या है, वो जो इसने वो डेफिनेशन दी ना, वो डिक्शनरी डेफिनेशन है। ठीक है, इसे हम कहते हैं, तो डिक्शनरी डेफिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक वर्ड स्नेक, तो स्नेक की उसने क्या डेफिनेशन दी कि वो न्यूमरस स्केली है, लेगलेस है, उसके पैर नहीं है। ठीक है, उसके बाद हैविंग ए लॉन्ग, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, अभी रेप्टाइल है, सिलेंड्रिकल बॉडी है। वो उसने क्या अलग अलग डेफिनेशन अपनी, वो जो उसने डिक्शनरी में डेफिनेशन है वो वाली उसने प्रोवाइड करा दी, इसे कहते हैं पर डिनोटेशन। अब जब उसका अनदर मीनिंग, ठीक है, अब इसने तो क्या एक डेफिनेशन दे दी जो डिक्शनरी में दी है, मगर इसका जब अनदर मीनिंग बता देगा कि वो कह देगा कि हाँ भाई सांप जो है वो बड़ा जहरीला है, ठीक है, इससे बच करो, वो या वो खतरनाक है, तो वो क्या करे, वो आपको उसका अलग मीनिंग शॉर्ट में बता देगा, तो उसे क्या कहते हैं पर कोनोटेशन। ठीक है, उसे कहते हैं पर कोनोटेशन। ठीक है, जब अदर वर्ड अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड इट रेफर्स टू द एसोसिएशन दैट आर कनेक्टेड सर्टेन वर्ड और द इमोशन सजेशंस रिलेटेड टू दैट वर्ड, द कोनोटेटिव मीनिंग्स ऑफ वर्ड एग्जिस्ट टुगेदर विद द डिनोटेटिव मीनिंग। ठीक है, उन्हीं उसी के साथ होते हैं, उसका क्या है, जब अलग बात कर देगा, जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पे, कहता है वर्ड स्नेक कुड इंक्लूड एविल, ठीक है, एविल है और डेंजर है, वो कह दिया उसने भाई वो खतरनाक है, तो वो क्या कर रहा है, अब वो कोनोटेशन मतलब उसका एक्स्ट्रा मीनिंग बता रहा है। ठीक है, ये चीज है उसमें। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या है, एक स्माइल। अब ये स्माइल ना, वो वाला स्माइल नहीं है जो अपन हंसते हैं, ठीक है, वो वाली स्माइल नहीं है, इसमें स्पेलिंग्स की थोड़ी सी अलग है। अब देखिए, अपन ना जब बात करते हैं, हम कई बार ये नहीं कहते, जब उसको रिलेट करते हैं कि ये इसके जैसा है। अब एग्जांपल लीजिए, जैसे आप कई बार कहते हैं नहीं, कोई बुजुर्ग कह देगा, या कोई हम जब कोई बच्चा कोई ना बड़ी स्वीट सी कुछ बात कर देगा, तो आप कहते हैं बच्चे तो भगवान के जैसे होते हैं, है ना, तो बच्चे तो भगवान के जैसे होते हैं, या वो बंदा मेरे लिए लक्की जैसा है, लक्की नहीं है, लक्की जैसा है। ठीक है भाई, वो मेरे को अगर सुबह सुबह दिख जाए तो वो लक्की जैसा है मेरे लिए, ठीक है, मेरा अच्छा दिन निकलता है। तो वहां हम किसकी बात करते हैं, स्माइल की बात करते हैं। और जब हम जैसा हटा दें, जब हम जैसा हटा दें और उसको डायरेक्ट कहें कि यार ये मेरे लिए लक्की है, ठीक है, या फिर ये सीधा कहें कि वो बच्चा भगवान है, भगवान का रूप है, भगवान जैसा नहीं है। अब भगवान जैसा तो क्या था, वो स्माइल में था, मेटाफर में क्या होगा, मेटाफर में होगा वो बच्चा भगवान है,
ठीक है, वो बच्चा भगवान का रूप है या फिर वो बंदा मेरे लिए लक्की है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये वर्ड्स इनको जो अपन यूज करते हैं वो क्या होते हैं, मेटाफर, ठीक है। चलिए, तो अपने ये चार वर्ड्स हैं, इनको थोड़ा सा हल्का सा ये याद रखने वाली चीजें हैं, बड़ी सिंपल चीजें, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी चीजें और आप ये याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, ऑब्जेक्टिव से देखिए, टू इन्फॉर्म, किसी भी पर्सन को इन्फॉर्म करना, अपने स्किल जो भी आप थॉट कर रहे हो, कोई आइडिया है, कोई चीज कम्युनिकेशन करनी है, कोई कम्युनिकेट करनी है चीज, तो वो चीज आपने इन्फॉर्म करनी है, तो वो चीज है, ठीक है। परसुएड, कोई भी चीज परसुएड करनी है, ठीक है, कोई कंट्रोल करना है किसी चीज के ऊपर, वो चीज कंट्रोल करने के लिए हम करते हैं। अपने कंट्रोलिंग में पढ़ा ना कि हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, वो कंपैरिजन करने के बाद अपने पास तो रखेंगे नहीं वो रिजल्ट, वो जो डिजायर्ड रिजल्ट आया, जो एक्चुअल रिजल्ट या डिजायर्ड रिजल्ट निकले हैं उनमें जो मार्जिन आया है वो अपने पास तो रखोगे नहीं, वो कम्युनिकेट करोगे, तो कंट्रोल करने के लिए भी आती है चीजें, ठीक है। टेक डिसीजन, डिसीजन ऑब्वियस है, ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी मीटिंग चल रही है उसमें डिसीजन लेने के लिए आप कम्युनिकेट करोगे ताकि आपका जो डिसीजन है वो अच्छा हो सके, ठीक है। टू एक्सचेंज आइडियाज, अपने आइडियाज को, थॉट्स को, ओपिनियंस को, इनको एक्सचेंज करना, तो इसके लिए कम्युनिकेशन, इसलिए आप कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। किसी भी पर्सन को मोटिवेट करना, अब कोई भी पर्सन जो है वो निराश बैठे हैं, अब जैसे कई काफी सारे बच्चे होंगे वो निराश बैठे होंगे कि हमने इतनी तैयारी करी, हमने इतनी तैयारी करी है और एग्जाम क्या हो रहा है, कोविड 19 की वजह से पोस्टपोन होता जा रहा है, होता जा रहा है, वो क्या है, वो डिमोटिवेट होते जा रहे हैं। तो अब क्या है, अब काफी सारे मोटिवेटर्स हैं, कुछ उनके पेरेंट्स हैं, कोई टीचर्स हैं, वो उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि ऐसा टेंशन लो, आप तैयारी करते रहो, कंटिन्यू आपका हो जाएगा। और एक्चुअल में ऐसा है कि आप कंटिन्यू तैयारी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम होगा जरूर, ठीक है, ऐसा तो है नहीं एग्जाम ही कभी नहीं होगा, एग्जाम जरूर होगा, बस ये आइडिया लगाइए कि आपकी जिसमें अभी करेक्शन की डेट इन्होंने एक्सटेंड कर दी है 20 तक, तो उसके बाद ये लगाइए कि CSIR की डेट आ चुकी है टेंटेटिव, तो उसके आसपास ही आपका एग्जाम हो सकता है। तो मान के चलिए कि नवंबर में, अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक में अप्रोक्सीमेटली एग्जाम आपका हो जाएगा कंडक्ट, ठीक है। चलिए, उसके बाद टू एजुकेट, एजुकेट करने के लिए अब मैं आऊँ स्क्रीन पे स्लाइड दिखा के और चुपचाप निकल जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आएगा, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए आपको करनी पड़ेगी ना, ठीक है। टू प्रमोट, प्रमोट किसी चीज़ को प्रमोशन करने के लिए, किसी एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं आप, तो एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, वो लोग क्या नाम है, उस चीज़ के बारे में बताते हैं कि ये चीज़ एक्चुअली में है कैसे कैसे, ठीक है। तो प्रमोशन करने के लिए, कोई भी चीज़ प्लान करने के लिए, ठीक है, तो हम कोई भी चीज़ प्लान करते हैं तो उसके लिए हम लोग को कम्युनिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आपको एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, जो दैनिक जागरण है ना, दैनिक जागरण का नाम कैसे पड़ा था, आपको एक स्टोरी अच्छी सी सुनाता हूँ, छोटी सी और बड़े इंटरेस्टिंग है, ये प्लान के ऊपर बड़ी कामयाब है। तो दैनिक जागरण का नाम ऐसे पड़ा था कि वो लोग ना कंटिन्यू बहुत बड़े बड़े मतलब बंदे वहाँ बैठे थे, उनके सारे के सारे मतलब CEO और पता नहीं कौन कौन बैठे थे, तो वो ना सोचते रहे, कभी कुछ बोल रहे, कभी कुछ बोल रहे हैं, तो वो हुआ नहीं। अब उन्होंने ना अपने पेरेंट्स को नहीं बिठाया, उनके पेरेंट्स को उनको बिठा लिया, अपनी ना एक उनकी दादी थी तो उनको नहीं बिठाया, ठीक है। तो वो सारी रात सोचते रहे। अब क्या था, उन्होंने जब उनकी दादी सुबह उठी ना, तो कहते हैं भाई नाम सोच लिया, कहते ना जी नाम को नहीं सोचा, तो कहते नाम तुम्हारा नाम तो डिसाइड हुआ नहीं, सारी रात जागरण और कर दिया, तो कहते जागरण कर दिया, अब तो जागरण रखेंगे, इसका नाम दादी ने दिया है। तो इस तरह क्या, उनके बुजुर्ग ने किसी ने दिया था, तो वो जागरण उनका नाम पड़ा, भाई दैनिक जागरण। तो क्या, हम जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो अपना प्लान कुछ डिस्कस कर रहे हैं ना, तो वो क्या, वो जब कम्युनिकेशन ही नहीं करेंगे या कोई पर्सन आके कुछ कम्युनिकेट ही नहीं करेगा, तो हमें आइडियाज नहीं मिल पाएंगे, वो आइडिया, अपना आइडिया किसी ना किसी थ्रू अपना दे रहा है वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और कोई भी अगर प्रॉब्लम है पढ़ाने में, प्रॉब्लम है अगर मेरे, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और सजेशंस दीजिए ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए और पूछिए कि ये वाली प्रॉब्लम है, तो उसको उसका आपको रिप्लाई मिलेगा जरूर और उसका आंसर मिलेगा, ठीक है, कि ये चीज़ ऐसी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। वैसे प्रॉब्लम वाली बात इसमें है नहीं अभी, इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं, अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न है, क्योंकि ना कन्फ्यूज़न हल्की हल्की कहीं ना कहीं रह जाती है, तो अगर है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी के काम आ सके, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।